आज का ये रिव्यू सीधा दिल से होगा आप लोग के दिल के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। मैंने रिसेंटली एक मलयालम फिल्म देखी जिसका नाम है मंजूमल बॉयज, डायरेक्टेड बाय चिदंबरम। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन ये एक कम्प्लीटली सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जो कि सच्ची और शॉकिंग घटना पर आधारित है, जहाँ कोडाईकनाल में एक गुना करके केव होता है जो कि कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड रहता है, वहाँ कोई जा नहीं सकता और जो भी गया है वो वापस नहीं आया। आप ये सोचो कि अगर एक इंसान चार माले की बिल्डिंग से गिर जाए तो उसका खोपड़ा इपड़ा फट जाए, वो जगह पर मर जाए। और वैसे ही इस गुना केव में 13 लोग घुस गए थे और सीधा मर गए थे, क्योंकि इसकी गहराई 900 फीट है। इनफैक्ट एक पॉलिटिशियन ने तो रेस्क्यू भी कराया था 25 लाख रुपए डाल के, लेकिन एक हड्डी तक नहीं मिली। ऐसे ही 9 दोस्त कोडाईकनाल घूमने निकलते, मजा करने निकलते, और वो लोग जानबूझ के इस रेस्ट्रिक्टेड गुना केव में भी एंटर होते हैं, जिनमें से उनका एक दोस्त उस 900 फीट केव के अंदर सीधा घुस जाता है, गिर जाता है, जिसके बाद इस 8 दोस्तों को झटका लग जाता है। और फिर फिल्म के अंदर जो आपको देखने मिलता है, यार आप ये इमेजिन करो, ऐसा तो आप रियल में भी सुन लो तो भी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये हुआ है। सबसे पहले मैं मंजूमल बॉयज इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा, 5 out of 5 स्टार। मंजूमल बॉयज वो फिल्म मेरे लिए निकली जो मेरे दिल से कभी नहीं निकलेगी, एंड नाउ आई कैन से प्राउडली दैट नो वन इन द फकिंग वर्ल्ड कैन मेक अ ब्रिलियंट सिनेमा लाइक मलयालम इंडस्ट्री। अरे आप लोग बाहर की दुनिया में अच्छा सिनेमा ढूंढ रहे हो, मलयालम सिनेमा अपना खुद का एक अलग दुनिया बना रहा है। और अगर आप लोगों को फिल्म समझना है, फिल्म मेकर बनना है, तो कोई कोर्स मत करो, सीधा मलयालम फिल्म देखना शुरू कर दो। क्योंकि मैं मंजूमल बॉयज की ही बात करूं तो इस फिल्म पे रिसर्च होनी चाहिए कि 15 से 20 में ये फिल्म बनी तो बनी कैसे। अरे वो तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि केव्स वाले जितने भी सीन है उसका ये लोगों ने सेट्स बनाया था, वरना आप लोग तो रियल मान के बैठ जाओगे, क्योंकि इतना रियल लगता है। डायरेक्टर चिदंबरम चाहते तो फिल्म को सिंपल रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी एंड सभी के साथ खेला है, कैमरा के साथ, सिनेमेटोग्राफी के साथ, ट्विस्टेड स्क्रीन प्ले के साथ। एक दो शॉट्स तो ऐसे थे उसका ट्रांजिशन मानो सिंपल से सीधा शॉकिंग हो जाता है, जो पर्दे पे एकदम ही स्कैरी नजर आता है। मैं बताता हूं कि मैं इस फिल्म से इमोशनली कनेक्ट कैसे हुआ। डायरेक्टर ने जिस हिसाब से फ्रेंडशिप को प्रेजेंट किया, आई मीन वो मेरा दिल जीत लिया। सोचो कि कैसे 9 दोस्त रूल तोड़ के उस रेस्ट्रिक्टेड गुना केव में एंटर होते हैं, फिर बाद में अपने दोस्त को उस केव से बचाकर बाहर की दुनिया का भ्रम तोड़ते हैं कि भाई हम यहां से भी जिंदा आ सकते हैं। वो लोग दोस्ती का मिसाल अलग लेवल पे ले जाते, बस वही चीज से आपको प्यार हो जाएगा। फिल्म का एक छोटा सा मैं सीन आपको बताता हूं, जहां इनके दोस्त उस केव के अंदर फंस जाते हैं, तो बाहर 8 दोस्त है, वो लोग पुलिस, रेस्क्यू टीम सबको बुलाते हैं, तो फिर रेस्क्यू टीम को पूछते हैं कि प्लीज आप लोग अंदर कूदो और उसको बचाओ, तो रेस्क्यू टीम ट्रेंड होकर भी बोलते हैं कि भाई हम नहीं कूदेंगे, हमें रिस्क लग रहा है। तो फिर इस 8 दोस्त में से एक दोस्त आता है कि अगर आप लोग नहीं जा रहे हो तो मैं जाता हूं। फिर 8 दोस्त में से दूसरा एक दोस्त आता है और उसी दोस्त को बोलता है कि तू क्यों जा रहा है उसके अंदर, तू गया मर जाएगा, तेरी सांसें अटकेगी, तेरा दम टूटेगा, तू अपने जान का रिस्क क्यों ले रहा है। तो वो दोस्त उस दूसरे दोस्त को बोलता है कि अगर मैं नहीं गया तो कौन जाएगा, तो वो दूसरा दोस्त इसको बोलता है कि अगर तू नहीं गया ना तो मैं जाऊंगा। एंड वो सीन इस पूरे फिल्म का एक पिक सिनेमा साबित होता है। यार मैं आप लोगों को ही बोल रहा हूँ, अगर ये फिल्म आपको नहीं पसंद आए ना तो आप लोग मेरा गला काट देना। एनिमल मूवी के बाद पहली बार मेरे को चाहत हुई कि एक फिल्म को मैं 2-3 बार रिपीट थिएटर में देखूं, एंड मंजूमल बॉयज को मैंने 2 बार देख लिया। देखो फिल्म का कोई इतना नोन कास्ट ना होते हुए भी फास्टेस्ट 100 करोड़ कमाने वाली पहली मलयालम फिल्म बन गई है, तमिल तेलुगु में भी अभी बाजी मार रही है। यार मेरे लिए फिल्म तो वही है जो अपने स्टोरी टेलिंग में ऑडियंस को इन्वॉल्व करे, एंड मंजूमल बॉयज एक रेस्क्यू थ्रिलर होने के बाद भी इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेती है। इनफैक्ट आप के परफॉर्मेंस देख लो, एक्टर प्रोड्यूसर सोबिन शाहिर, उनका काम आप बोलोगे कि ये कुछ कर ही नहीं रहा है और इसका ना करना ही इतना तकलीफ दे रहा है, इतना दिल जीत ले रहा है। अरे सभी एक्टर्स ने ऐसा काम किया ना कि आपका दोस्ती पे वापस भरोसा आ जाएगा, ये दोस्ती को जिंदा रखने वाली फिल्म है। सो थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ मंजूमल बॉयज एंड कमल हसन साहब, जिनके वजह से इनको इंस्पिरेशन भी मिला। अगर ये फिल्म आप लोगों के पास के थिएटर में लगी तो प्लीज जाकर देख लेना, क्योंकि बाद में पाप लग जाएगा, बोलोगे कि यार मैं इसको थिएटर में नहीं विजिट किया ना तो फिर मेरा थिएटर जाने का कोई हक ही नहीं है। सबटाइटल के साथ प्लीज देख लेना, OTT पे आएगी तब तो सभी देख लेंगे, वायरल भी होगी फिल्म, हंसता खेलता है। पता भी नहीं मैंने लास्ट 5 out of 5 स्टार किसको दिए थे, इसने यार सब मेरे लिए ऑस्कर यही था भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, बाय।